हाँ तो दोस्तों, इसके पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें देखिए आपको इसके पहले तक यानी कि सौर मंडल और पृथ्वी गतियाँ, चंद्रमा और ग्रह नक्षत्र तारे सबका पूरा डिटेल आगे मिल जाएगा। दिन रात क्यों होता है और ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, अक्सर आपके दिमाग में प्रश्न आता है। चंद्रमा का एक ही भाग हमें क्यों दिखता है, ज्वार भाटा क्यों आते हैं, सुनामी क्यों आते हैं, तो ये सभी प्रश्न के वीडियो आगे वाले में मिल गया। तो ये हम थोड़ा स्पीड इसको देखेंगे क्योंकि दोहरा रहे हैं और ये हम कवर कर लेंगे इसी वीडियो में। टोटल ज्योग्राफी का पूरा पूरा समान अध्ययन कवर करेंगे और स्पीड से थोड़ा चलेंगे। इसमें देखिए आज हम अक्षांश रेखा देखेंगे। तो अक्षांश रेखा पे देखिए अक्षांश और देशांतर क्या है। अक्षांश रेखाएं वे रेखाएं तो इन दो उत्तर से दक्षिण स्थित किसी भी भूमध्य रेखा की उत्तर की बात कर रहा है। आप देखे होंगे कि जब एक गोलार्ध बनाइए, गोला सा, उसको बीच से काट दीजिए, तो जब बीच से काटेंगे तो उसे बोलते हैं 0 डिग्री। तो हमको ये पता है कि आप जानते हैं ज्योग्राफी, तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड चलेंगे। तो जो ये मान लीजिए 0 डिग्री है, ठीक, 0 डिग्री के ऊपर जो होगा वो उत्तरी अक्षांश होते हैं, नीचे जो होगा वो दक्षिणी अक्षांश। इसका परिभाषा ये है, यदि आप उस तरह से कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि प्रधान मध्यान रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में, यानी कि 0 डिग्री रेखा के समानांतर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। एक अंश में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। तो देखिए फिगर ऐसे, चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, ये दो कामा दे देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। 1 डिग्री अक्षांश के मध्य की दूरी 111.13 किलोमीटर होती है। कुल संख्या कितनी है अक्षांश रेखाओं की, 180 है। जब आप 0 डिग्री को इंक्लूड करते हैं तो 181 हो जाती है। और कुल कितने वृत्त बनते हैं यहाँ पे, तो 179 वृत्त बनते हैं। ये महत्वपूर्ण चीज है। सबसे बड़ा वृत्त बनाने वाला वाली अक्षांश कौन सी है, विषुवती या मध्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब देखिए 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर टेम्परेचर जो है घटता रहता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव पे चलेंगे तो टेम्परेचर घटता जाएगा। आगे देखिए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर टेम्परेचर घटता रहता है। अब देखिए भूमध्य रेखा के जो देश है कौन कौन से है, दक्षिण अमेरिका पड़ता है। तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा है, इक्वाडोर है, कोलंबिया और ब्राजील। मैप में आपको मैप लीजिए आप, उसमें दक्षिण अफ्रीका का इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील देखिए। और अफ्रीका में देखिए कांगो, गैबन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया है जो 0 डिग्री भी पड़ता है। एशिया का इंडोनेशिया है। कर्क रेखा पे देखिए कौन से देश होते हैं, इसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। कर्क रेखा के जो महाद्वीप पड़ता है उत्तरी अमेरिका है, तो इसका मैक्सिको पड़ता है। अफ्रीका में देखिए मोरक्का, मारिटीनिया, मारिताना, माली, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट यानी मिस्र पड़ता है। मोरक्को, मारिटाना, माली, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट। एशिया का यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन और ताइवान। भारत, बांग्ला, म्यांमार, चीन और ताइवान। अब मकर रेखा पे देखिए, मकर रेखा पे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा इसे कहते हैं, दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। तो यह मकर रेखा किन देशों से होके जाती है, आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के, चिली से, अर्जेंटीना से, पराग्वे और ब्राजील। अफ्रीका में देखिए नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया में ये होके जाती है। तो यहाँ से देखिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी आप एग्जाम देंगे भूगोल से ये प्रश्न आ जाते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहाँ से निकलती है, या भूमध्य रेखा किन देशों से जाती है, कर्क रेखा कहाँ से जाती है, तो ये आपका आ जाता है। और देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, एकमात्र महाद्वीप आपका अफ्रीका है जहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। तो देख लीजिए तीनों रेखाएं कहाँ पे, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों गुजरती हैं। आप देखे होंगे, ये देखिए अफ्रीका यहाँ भी अफ्रीका है, और मकर रेखा एशिया से नहीं गुजरती। देखिए तीन ही से मकर रेखा जाती है, तीन महाद्वीपों से। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो आपके सामने एक है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी है। मकर रेखा को लिम्पोपो काटती है 2 बार, और कर्क रेखा को आपकी माही नदी काटती है जो यहाँ से अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग से निकलती है, तो वो इसे काटती है। अब देखिए कर्क रेखा की फिर बात करते हैं,
कि कर्क रेखा भारत के कहाँ से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर जाती है। यहाँ से एक ट्रिक बना सकते हैं आप, छम गुरा पात्र झामिया, छम छगुराम के मित्र की झोपड़ी, छगुराम के मित्र की झोपड़ी। यहाँ से देखिए छगु से छत्तीसगढ़ और गु से आपका गुजरात हो गया, म से मध्य प्रदेश हो गया, र से राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश गुजरात, ये देखिए डबल आ गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। छ से आपका छत्तीसगढ़, गु से गुजरात, र से राजस्थान होगा, यहाँ 4 नंबर पे राजस्थान लिखिए, और म से मध्य प्रदेश हो गया, और है पश्चिम बंगाल, फिर आपका त्रिपुरा है, फिर झारखंड है, फिर मिजोरम है। 8 हो गए। आर्कटिक वृत्त 66.5 टन उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिका वृत्त कहते हैं। कितने डिग्री अक्षांश पर अक्षांश रेखाएं एक बिंदु के रूप में दिखाई देने लगी, यानी 90 डिग्री पे एक बिंदु के रूप में दिखाई देती हैं, क्योंकि वहां पे सब एक दूसरे से मिल जाती हैं। अब देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी पे दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ से देखिए आप ध्यान दीजिए, 23.5 डिग्री उत्तरी कर्क उत्तरी रेखा को कहते हैं, उत्तरी अक्षांश को कर्क, ये आपको हमने पहले ही बता दिया है। देशांतर रेखाओं की बात कीजिए तो देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो दोनों ध्रुवों को मिलाकर खींची जाती हैं, यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में ये प्रधान मध्यान रेखा के समानांतर होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे इस रेखा को बोलते हैं प्रधान मध्यान, और जो बेड़े बेड़े होती है ये बोलते हैं 0 डिग्री भूमध्य रेखा। किसी स्थान की कोणीय दूरी को प्रधान या अनुत्तर या पूर्व या पश्चिम होती है देशांतर, ये कहलाती है, इसे देशांतर कहते हैं, जो प्रधान या अनुत्तर के समानांतर खींची जाती है पूर्व से पश्चिम। भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के मध्य की दूरी होती है 111.32 किलोमीटर, और उसकी कितना थी 111 उसकी भी थी, किसकी? अक्षांश रेखाओं की। कुल संख्या कितनी है अक्षांश रेखाओं की दो देशांतरों के मध्य को कहते हैं गोर, और इसकी कुल संख्या है 360। आगे देखिए, और जो इनके अंतर होता है टाइम का, जैसे कि 1 डिग्री से 2 डिग्री यानी कि 4 डिग्री है और 2 डिग्री है, तो इनके बीच का जो टाइम होता है वो 15 मिनट का होता है, यानी कि 1 डिग्री बराबर देशांतर रेखा पे 15 होता है, 15 मिनट। अब देखिए 0 डिग्री के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर रेखा है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है, सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ पे है? रूस में है, तो ये महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया, सर्वाधिक टाइम जोन कहाँ पे है? रूस में है। कितने हैं? 11 हैं। अब देखिए ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को कहते हैं ग्रिड, और एक बात और, जो देशांतर रेखाओं के बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं गुरे। ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है जो लंदन से होकर जाती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, जो और उसके पहले जो हमने बताया था 1 डिग्री बराबर 15 मिनट, सॉरी वो गलत है, वो 15 डिग्री बराबर 1 घंटा हमें बताने वाला था। तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। अक्सर इससे प्रश्न आते हैं कि कोई प्लेस मान लीजिए आपका इसमें आता है अरुणाचल प्रदेश मान लीजिए 80 डिग्री पे है और गुजरात 40 डिग्री पे है, तो पूछता है दोनों में समय का अंतर क्या होगा। तो देखिए अंतर कितना हो गया 80 और 40, सपोज दैट हम बता रहे हैं का अंतर हो गया 40 डिग्री, तो कितने टाइम में कितने का अंतर हो जाएगा? तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 40 डिग्री में हो जाएगा 4 चौका 16, 160 मिनट। तो 160 मिनट को 60 से डिवाइड कर दीजिए, जितना होगा उतना घंटा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर को कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का समय लंदन से 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए लंदन पर 12 बजे हैं, 0 डिग्री है, भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे है, और गुजरात 68.7 डिग्री है, और आपका ये अरुणाचल प्रदेश 97.25 डिग्री पे है। देशांतरों का अंतराल 82.5 डिग्री, 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, 82.5 को पार करने में कितना लगेगा? तो 82.5 × 4 कर लीजिए, 5.5 घंटे आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम चट्टानों की, तो चट्टानों में देखिए आग्नेय चट्टाने क्या होती है? लावा के ठंडा होने से इनका निर्माण होता है। इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, क्या? जीवाश्म
जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है, किसमें? लावा चट्टानों में, अग्नि चट्टानों में। तो अग्नि चट्टानों में जीवाश्म नहीं मिलता है। और यह कैसे बनती है? लावा के ठंडा हो जाने से। जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो लावा निकलता है, लावा के ठंडा होने से अग्नि चट्टानें बनती हैं। क्रस्ट का 90% भाग अग्नि शैलों से निर्मित है। सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ था। उदाहरण इसका देखिए, डोलोमाइट है, ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है। धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं किसमें? अग्नि चट्टानों में। भारत में दक्कन का पठार इसी शैल से बना है, यानी कि दक्कन का पठार किससे बना है? अग्नि शैल से बना है। अवसादी शैल की बात करें, समुद्र के पेड़ में इनका निर्माण होता है। खनिज तेल इनसे प्राप्त होता है। धरातल का 75% भाग इनसे बना है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, कोयला इनके उदाहरण हैं। कायांत्रिक शैल में चूना पत्थर, संगमरमर, चिकनी मिट्टी, स्लेट, यानी कि चूना पत्थर का कायांत्रिक रूप होता है संगमरमर, चिकनी मिट्टी का हो जाता है स्लेट, कोयला का हीरा। तो कायांत्रिक शैलें वो होती हैं जो टेम्परेचर, प्रेशर या टाइम की वजह से जो अग्नि या अवसादी होती है, वो उनके रूप में परिवर्तन हो जाता है। कभी टूट फूट के हो जाता है, कभी किसी और रूप में हो जाता है। जैसे आप चूना पत्थर है, तो चूना पत्थर जब बहुत दिन तक जमाव रहता है इसका, तो ये बदल जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक में हो जाता है, यानी कि मेटामॉर्फिज्म इसका हो जाता है और संगमरमर ये बन जाता है। आगे देखिए, यहाँ से देख लेते हैं अग्नि चट्टाने। अग्नि चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें कौन कौन सी हैं? तो ग्रेनाइट का रूपांतरण होता है, तो इससे कौन सी चट्टान बनती है? नीस। बेसाल्ट का एम्फिबोलाइट, और फिर बेसाल्ट का होता है तो सिस्ट बनता है। तो देखिए यहाँ पे बेसाल्ट का 2 बार मेटामॉर्फिज्म हुआ है, एक बार तो एम्फिबोलाइट बना है, दूसरा सिस्ट। तो ये नीस, एम्फिबोलाइट, सिस्ट आएगा तो कौन सी चट्टाने हैं? कायांत्र चट्टाने हैं। किससे बनी है? अग्नि से, ग्रेनाइट से। फिर देख लीजिए, ग्रेनाइट, नीस, बेसाल्ट, एम्फिबोलाइट, बेसाल्ट, सिस्ट। अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से कौन बनता है, कौन सी सेल बनती है? तो अवसादी चट्टानों के रूपांतरण से देखिए, सेल सेल जो है अवसादी चट्टाने, इधर जो है अवसादी दिया, इधर आपका कायांत्रित है यानी रूपांतरित है। सेल देखिए, सेल स्लेट हो जाता है, चूना पत्थर से संगमरमर हो जाता है। चाक या डोलोमाइट से क्या बनता है? संगमरमर बनता है। तो संगमरमर 2 टाइप से, एक तो आपका चूना पत्थर से बना, दूसरा डोलोमाइट से बना, तीसरा बलुआ पत्थर से क्वार्टजाइट आपका बनता है, और कांग्लोमेरेट से आपका बनता है क्वार्टजाइट। यहाँ पे सही है, कांग्लोमेरेट से क्वार्टजाइट होता है और बलुआ पत्थर से भी क्वार्टजाइट बनता है। अब रूपांतरित चट्टानों का पुनः रूपांतरण, देखिए हमने आपको बताया था ना कि एक बार तो अग्नि चट्टान का मेटामॉर्फिज्म होगा, फिर उसके बाद जब वो मेटामॉर्फिज्म हो जाती है तो चट्टाने रहती हैं उस पर किसी वजह से, कोई बाह्य कारक की वजह से उसमें जब परिवर्तन हो जाता है, उसे बोलते हैं क्या कि मेटामॉर्फिक रॉक का भी मॉर्फिज्म हो गया, यानी कि रूपांतरित चट्टानों का भी रूपांतरण हो गया। तो जैसे स्लेट, स्लेट आपका कैसे बना? सेल से स्लेट बना, फिर देखिए स्लेट से फाइलाइट हो गया, फिर देखिए फाइलाइट से क्या बना? सिस्ट बन गया, और गैब्रो सर्पेंटाइन होता है, गैब्रो बनती है एक, तो गैब्रो का हो जाता है आपका सर्पेंटाइन। ये डबल मॉर्फिज्म रॉक है। अब यहाँ पे देखिए आंतरिक संरचना, पृथ्वी की जो इनर स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखिए। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन होता है, प्रश्न पूछा जा चुका है। और अगर पूछे कि पर्पटी के ऊपरी वाले हिस्से में कौन क्या पाया जाता है, ऑप्शन में रहे सिलिका, तो उसको लगाइएगा। और सर्वाधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है। पृथ्वी में पृथ्वी का औसत घनत्व तो 5.5 है, और प्रति 32 मीटर की गहराई में जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये देखिए बीएल चौधरी जी का ये फोटो उन्होंने एक फेसबुक पेज पे शेयर किया था, तो वहां से हमने लेके इसका पीडीएफ जनरेट करके इसको आपको बता दे रहे हैं। और इसको पीडीएफ यदि आपको चाहिएगा तो मिल जाएगा। अभी हमको नहीं पता, याद आ रहा है कि ये फेसबुक पेज पे इनका क्या नाम है, आप सर्च कर सकते हैं अगर जरूरत होगी ऐसे नोट्स की, इन्होंने काफी मेहनत कर रखा है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति देखिए 1500 किलोमीटर की गहराई से होता है। पृथ्वी के केंद्र में लोहे की अधिकता के कारण पृथ्वी में चुंबकीय गुण पाया जाता है। स्वेस के अनुसार, उन्होंने स्वेस ने क्या बताया था, 3 परतें पृथ्वी में बताई थी, सियाल, सीमा और नीफे। सियाल को इंग्लिश में लिखेंगे SIAL हो जाएगा, तो उसी से बना है, SI से सिलिका हो गया, AL से आपका एल्युमिनियम हो गया।
सीमा को लिखेंगे एस आई और एम ए, तो एस आई से आपका सिलिका हो गया, एम ए से मैग्नीशियम हो गया। निपे को लिखेंगे एन आई और एफ ई, तो एन आई से हो गया निकिल, एफ ई से हो गया फेरस यानी आयरन। आगे देखिए औसादी चट्टाने, अग्नि चट्टाने और रूपांतरित चट्टाने, इसका क्रम किस तरह से ये चलती है। देखिए मान लीजिए कोई चट्टान अग्नि है पहले, तो ये उत्थान अपक्षय और अपरदन जो बाह्य क्रियाएं चलेंगी इसकी वजह से ये औसादी हो जाएगी। यानी कि अग्नि चट्टाने जैसे आपका मान लीजिए अरावली पर्वत है, अरावली पर्वत टूट फूट घिस के उसमें अपरदन हुआ, इस वजह से जो उपजाऊ मैदान कुछ बन गए, तो उसे औसादी चट्टान उसे कहते हैं। ये नरम और कठोर, आप ये दिमाग में मत लाइएगा कि चट्टान का मतलब जो बहुत ज्यादा कठोरी हो, नरम मुलायम चट्टानें भी होती हैं। अब देखिए औसादी चट्टान पे फिर दबाव ताप और प्रेशर जब पड़ेगा तो ये फिर अग्नि चट्टान के रूप में बदल सकती है। और यहाँ पे देखिए फिर यदि हम आए यहाँ से रूपांतरित चट्टान को, आप जब अग्नि चट्टान का पुनर्वीकरण होगा तो रूपांतरित हो जाएगी, और ये जब बनेगी संगलन इसका होगा तो ये अग्नि बन जाती है। और औसादी से देखिए इसका दफन और टेम्परेचर होगा तो क्या बनेगी, रूपांतरित, और रूपांतरित यहाँ पे उत्थान अपक्षय और अपरदन होगा तो ये औसादी बन सकती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना सबसे महत्वपूर्ण यहीं से आता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहाँ से देख लीजिए ये कितना गहराई तक है, ये ऊपर को कहते हैं ऊपरी मेंटल, ये निचला मेंटल है, ये सबसे ऊपर को क्रस्ट कहते हैं, ये आपका 30 किलोमीटर तक होता है जीरो से क्रस्ट की गहराई, फिर 30 से आपका 2900 किलोमीटर तक होता है मेंटिल, और 2900 से 5150 तक होता है बायक्रोड, और 5150 से 6370 तक आपका होता है इनर कोड। तो ये रहा है महत्वपूर्ण। और यहाँ पे देखिए एक डेंसिटी भी दिया है, तो डेंसिटी आपका वैसे अक्सर पूछता नहीं है। भूकंप के बारे में देख लीजिए, भूकंप क्या है, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ है, इसका आविष्कार 1880 में जॉन मिले ने किया था। भूकंप की तरंगे सर्वप्रथम धरातल पर कहाँ पहुंचती है, उसे कहते हैं अधिकेंद्र। सर्वाधिक भूकंप वाला देश जापान है। भूकंप मापन की इकाई रिएक्टर स्केल है। सुनामी जो है समुद्र में जब भूकंप आता है तो उससे जो लहरें उठती हैं उसे कहते हैं सुनामी। ज्वालामुखी देखिए, ज्वालामुखी वह दरार है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का लावा बाहर निकल आता है, और यह तीन प्रकार का होता है। जागृत ज्वालामुखी जो हमेशा जिससे लावा निकलता है, सुसुप्त जिसमें 4 या 5 वर्षों के अंतराल पे आता है, और शांत जो एक बार उद्गार के बाद फिर उसमें लावा नहीं निकलता, जैसे क्राकाटाओ का इंडोनेशिया में है ये क्राकाटाओ, और बैरन द्वीप भारत का है, विसुवियस इटली का है, तो ये शांत में आते हैं। क्रेटर क्या है, क्रेटर का उदाहरण एक विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका में है, और क्रेटर ये एक झील होता है विवर्तनिक। अब इटली के पास लिपारी द्वीप पर स्टाम्बोली ज्वालामुखी है, इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। तो प्रश्न आपसे ऐसे ही पूछेगा, सर्वाधिक ज्वालामुखी कहाँ पे आते हैं, परिप्रशांत मेखला में। सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में आते हैं। नारकोंडम ज्वालामुखी आपका भारत का एकमात्र ज्वालामुखी और दक्षिण एशिया का भी। सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापैक्सी इक्वाडोर में है। इक्वाडोर का कोटापैक्सी आप देखेंगे दक्षिणी अमेरिका का मैप वहां से मिल जाएगा। ये देखिए विभिन्न ज्वालामुखी स्थलाकृतियां कौन कौन सी बनती है। जब ज्वालामुखी का उद्गार ये देखिए यहाँ से लावा आ रहा है, तो ये लावा जहाँ से नीचे आता है, जब लावा का जमाव इस तरह से हो जाता है तो इसे बोलते हैं बैथोलिथ। अब ऊपर आइए और जब प्लेट नुमा हो जाए, प्लेट की भांति जब लावा जम जाता है तो इसे बोलते हैं लैपोलिथ। और जब लावा का जमाव 180 पे ऊपर से नीचे यानी कि धरातल से लेकर नीचे तक सीधा सीधा हो जाए इसे बोलते हैं डाइक। और लैपोलिथ हो गया, फाइकोलिथ यहाँ पे देखिए जब उल्टे तस्तरी नुमा उल्टे नाव नुमा स्थलाकृति बनती है तो इसे कहते हैं फाइकोलिथ। और लावा का प्रभाव से यहाँ देखिए पठार बना है और आश्रित शंकु ये है। और ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो बीच में यहाँ पे खाली हो जाता है जिसे बोलते हैं कालडेरा। तो कालडेरा में जब ये ठंडा हो जाता है तो इसमें बारिश का पानी जब भर जाता है तो ये एक झील का रूप धारण कर लेती है, तो जिसे कहते हैं कालडेरा लेक। आगे देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि वायुमंडल
वायुमंडल के बारे में देखिए, ये थोड़ा सा अब देखिए सही है। वायुमंडल में कौन सी गैसें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2। नाइट्रोजन की मात्रा 78, ऑक्सीजन आपका 21, आर्गन 0.93, CO2 0.03। तो ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें देखिए 78, 21, ये 20.95 है, तो 21 मान लिया जाता है। धरातल से अंतरिक्ष में जाने पर टेम्परेचर जो है प्रति 165 मीटर पे 1 डिग्री तक कम हो जाता है। प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को मानव की रक्षा करती है। पराबैंगनी किरण जो आती है अल्ट्रावायलेट रेज। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CH4 है, मेथेन यानी कि और नाइट्रस ऑक्साइड है। अब देखिए इस पे जो सम्मेलन हुआ था COP यानी COP18 हुआ था 26 नवंबर से 7 दिसंबर 2012 में दोहा कतर में, और COP17 का हुआ था डरबन साउथ अफ्रीका में दिसंबर 2011 में। अब आगे देखिए वायुमंडल की परतें कौन कौन सी हैं। क्षोभ मंडल है सबसे नीचे, फिर समताप, फिर आयन और फिर वायुमंडल। तो देखिए क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है, ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर होती है। ताप पतन दर इसमें होता है 165 मीटर पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है। मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है। समताप मंडल में देखिए इसी परत में ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है, समताप मंडल में। तापमान यहाँ पे समान रहता है, समताप मंडल में तापमान समान रहता है। वायुयान इसी परत में उड़ते हैं, वायुयान किस में उड़ते हैं, समताप मंडल में। ओजोन गैस का बैगनी किरणों से रक्षा, ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। आगे देखिए यहाँ पे आप साइड में देख रहे होंगे, ये फिगर बना है बहुत इन्होंने, BL चौधरी जी ने बहुत मेहनत किया है। अब देखिए आयन मंडल, इसे कहते हैं आयनोस्फीयर, इसमें रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है। DEF और G इसमें लेयर होती है जो रेडियो वेव्स को परावर्तित, यानी कि जो हम रेडियो की आवाज सुनते हैं वो इसी वजह से आती है। आगे देखिए वाय मंडल एक्सोस्फीयर, तो एक्सोस्फीयर में ये देखिए 10,000 किलोमीटर यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन की परत आ जाती है। 3,500 किलोमीटर पे आपका हीलियम की परत है। वायुमंडल की गैसीय संरचना देख लीजिए, पृथ्वी आपका यहाँ तक है 90 किलोमीटर पे, यहाँ पे देखिए सामान्य ह्रास दर होता है। फिर 200 पे आपका आण्विक नाइट्रोजन की परत है, 1,100 किलोमीटर पे है ऑक्सीजन की परत, 3,500 पे हीलियम की परत और 10,000 पे है हाइड्रोजन की परत। आगे देखिए वायुमंडल की संरचना और विभिन्न परतें इधर देख लीजिए। क्षोभ मंडल में क्या क्या होता है, बादल बनते हैं, वर्षा होती है, बिजली यहाँ पे चमकती है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है कि जेट वायुयान यहाँ पे चलते हैं और जो जेट भरती हवाएं थी यहीं पे, और रेडियो तरंग आपका आयन मंडल में होता है। उल्फा यहीं पे उल्फा कण होते हैं। कृत्रिम उपग्रह कहाँ पे छोड़े जाते हैं, बहिर्मंडल में 640 किलोमीटर से ऊपर। विश्व के प्रमुख जल प्रपात देखिए, विश्व के प्रमुख जल प्रपात में है एंजल जल प्रपात, वेनेजुएला में है, 979 मीटर है, विश्व का सबसे ऊंचा है। सदरलैंड न्यूजीलैंड में है 580 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा गढ़सुप्पा जोंग जल प्रपात श्रावस्ती नदी कर्नाटका पे है। ये श्रावस्ती नदी नहीं है, साबरमती नदी है, सॉरी गढ़सुप्पा है, एक मिनट बता रहे हैं। हाँ तो देखिए वो जो आप बता रहे थे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था ना कि उसका नाम है सरावती, ये श्रावस्ती लिखा है तो सरावती नदी है, लेकिन वर्तमान में यही सरावती पे एक है कुंचिकल जलप्रपात, वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात यदि आएगा तो यदि ऑप्शन में रहे कुंचिकल तो आप कुंचिकल जलप्रपात लगाइएगा, यदि गढ़सुप्पा रहे तो भी कुंचिकल, यदि ऑप्शन दिया तो कुंचिकल लगाइए, क्योंकि वो UPPCS 2012 में इंटरव्यू में प्रश्न में पूछा गया था। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात चुलिया जलप्रपात है, चंबल नदी चित्तौड़ में है। अब देखिए विश्व की जो प्रमुख झीलें हैं, ब्रंज घाटी या दरार घाटी की झीलें, आपका अमृत सागर है, टंगानिका और बैकाल झीलें हैं जो ब्रंज घाटी की झीलें हैं। क्रेटर झील कौन सी है, टिटिकाका है, बोलिविया में है ये, साउथ अमेरिका। क्रेटर झील देखिए USA में है। एवरनल झील इटली में और कालडेरा इंडोनेशिया में,
ती क्रेटर झील है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर है, जो यूएसए में है, पंच लेक के नाम से, फिंगर लेक से नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर है। सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो रूस में है। विश्व की सबसे ऊंची झील ठिसो सिकरू तिब्बत में है। सबसे गहरी खाई मृत सागर है। तो सबसे गहरी झील कौन सी? बैकाल। और सबसे ऊंची झील ठिसो सिकरू है तिब्बत में। और सबसे खारे की पानी कैप्सियन सागर है, कैस्पियन है। सबसे गहरी खाई आपका मृत सागर है, फिलीपींस में है, डेड सी। और सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वान झील, टर्की की वान है, यहाँ पे 330 पर मिल है। भारत की सबसे ऊंची झील है देवताल, हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जम्मू कश्मीर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का है, उड़ीसा में। सहारा रेगिस्तान की सबसे बड़ी झील चाऊ झील है, चाड झील है, अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। अब देखिए, एक पेज और बचा है, तो इसको हम सोच रहे हैं कवर कर लें। 26 मिनट का हो गया, 4 मिनट में कोशिश करेंगे कवर हो जाएगा। नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील अफ्रीका से है। भूमध्य सागर में अकेली विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी अपोआ क्षेत्र में विश्व की सबसे लंबी नदी है, यह दक्षिण अमेरिका में है। मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र यह बनाती है, मिसिसिपी मिसौरी उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी भी है। सेंट लॉरेंस नदी विश्व का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाती है। नियाग्रा जलप्रपात इसी पर बना है। अब देखिए, राइन नदी की बात करें तो यह यूरोप में है, जर्मनी में, ब्रंस घाटी में बहती है, और कोयला नदी इसे कहते हैं। बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, बोल्गा नदी। नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं। जाम्बेजी नदी पे विक्टोरिया जलप्रपात है। कांगो अफ्रीका भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी? कांगो नदी। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। मरे डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में नदी है। सब भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा, और अपवा क्षेत्र में सबसे बड़ी भी गंगा है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि डेविस जल संधि है। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। विश्व के प्रमुख मरुस्थल देखिए, और ये अंतिम पार्ट है, यहाँ से हमेशा पूछा जाता है प्रश्न, इसको तो थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं और ये आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। ताकि अब देखिए, विश्व के मरुस्थल के बारे में देखें, सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह कहाँ पे है? लीबिया अफ्रीका में। ये इसमें 11 कंट्री आते हैं अफ्रीका के, और मेन रूप से लीबिया पूरी तरह से इसमें है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया में। गोबी आपका मंगोलिया और चीन में है। कालाहारी बोत्सवाना अफ्रीका में। सोनोरन यूएसए मैक्सिको में है, उत्तरी अमेरिका में। नाबिब है नामीबिया अफ्रीका में। थार रेगिस्तान उत्तर पश्चिमी भारत और पाक के बॉर्डर पे है। अब आगे देखिए, आटाकामा उत्तरी चिली और दक्षिणी अमेरिका में है। उत्तरी चिली में है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ता है, ये आटाकामा मरुस्थल है। पेंटागोनिया अर्जेंटीना में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया। अब देखिए, विश्व के प्रमुख महाद्वीप एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया के नदियों को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या भूमध्य कर्क मकर रेखा तीनों इसी से गुजरती हैं। उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा महाद्वीप है, नई दुनिया का देश इसे कहते हैं। दक्षिणी अमेरिका अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका है चौथा, जहाँ पे आपका एंडीज पर्वत है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और सबसे ऊंची कौन है? हिमालय। अंटार्कटिका सफेद महाद्वीप है, बर्फ का महाद्वीप इसे कहते हैं। यूरोप का बात करें तो यूरोप में जो डान नदी है वो 7 देशों से बहती हुई, बोल्गा और डान वहां की 2 प्रसिद्ध नदियां। सबसे बड़ी यूरोप की कौन सी है? बोल्गा नदी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसमें जब पपुआ न्यूगिनी यानी कि न्यूगिनिया को सम्मिलित कर दिया जाता है और न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया जाता है, जिसे बोलते हैं ओशिनिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया महाद्वीप। तो 7वां महाद्वीप ये रहा है संपूर्ण जो ज्योग्राफी के जीएस से संबंधित था, हमने 2 वीडियो में कवर कर लिया है। और हो सकता है तो हम इसी में मर्ज करके एक ही वीडियो बना देंगे 1 घंटे का। इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना एकदम ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आगे ऐसे ही एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें आपका पॉलिटी कवर होगा।
सब शॉर्ट में बना देंगे। धन्यवाद।